नमस्कार दोस्तों, जे रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चार स्टॉक्स देखने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों एक स्टॉक में पर्टिकुलरली मेरी खुद की रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन जो होती है टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। तो अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। 1400 के आसपास का प्राइस है दोस्तों, और अगर इसका टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको टेक्निकल चार्ट इसका लगने वाला है। चलिए बाटा इंडिया को हम ओपन करते हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक जो रिवर्सल मोड पे अभी आ चुका है। आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 से लगातार गिरावट दिखाते दिखाते आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 14% के आसपास करेक्ट ये हो चुका है। 4700 रुपये गिरावट देने के बाद में दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है वो रिवर्स कर सकता है आने वाले दिनों में। तो ये जो स्टॉक है आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यही लेवल क्यों मैंने पसंद किया है, तो अगर आप देखेंगे तो पास्ट में यहाँ पर स्टॉक ने अच्छे से सपोर्ट लिया था। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत अच्छी गिरावट हो रही थी, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1700 से भी ऊपर से ये स्टॉक गिरते गिरते आप देखेंगे तो उस समय पर 19% के आसपास गिरावट हुई थी। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद में आप देखें 5-6% की रैली हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां से स्टॉक फिर से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी यहां पर स्टॉक ने अपना बेस बनाया हुआ है, और यहां से ही दोस्तों आप देखेंगे तो फिर एक बार वाला जो रेजिस्टेंस होता है, माफी चाहूंगा, एक बार वाला जो सपोर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस बना, यहां पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस बना, और फाइनली जाकर के दोस्तों एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों इसका पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया था। अभी दोस्तों स्टॉक वहीं इसी पड़ाव पर आ चुका है जहां पर दोस्तों पास्ट में सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों नीचे में वॉल्यूम भी अच्छा है। और अगर आप ये नंबर देखेंगे तो दोस्तों एक राउंड नंबर है 1400 का, जहां पर दोस्तों मैक्सिमम चांसेस रहते हैं स्टॉक जो है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लेता है। तो यहां पर स्टॉक शायद सपोर्ट अपना ढूंढ सकता है। कहना चाहूंगा दोस्तों ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तीन स्टॉक्स मैं आपके लिए जो बता रहा हूँ केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए लीजिएगा। एक स्टॉक में दोस्तों अवश्य आपको टारगेट और स्टॉप लॉस में प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ टाइम फ्रेम। दूसरे नंबर का जो स्टॉक है दोस्तों, शेयर का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। 240 रुपीज के आसपास का प्राइस है, और दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। वैसे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो नया नया ही लगेगा, और स्टॉक इतना पॉपुलर भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल टाइम मैंने आपके सामने रखा है, अगर आप देखेंगे हमारे पुराने वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता रहेगा कि दोस्तों हमारे चैनल का नाम एक तो मल्टीबैगर्स पॉइंट था पहले, अभी जे रिसर्च है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो आप जो है हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप जो है डिस्क्लेमर डिस्क्लोज़र यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट अवश्य चेकआउट कीजिएगा, और प्लान्स भी आपको मिल जाएंगे कौन से सर्विसेज है। मेनली दोस्तों तीन ही सर्विस है, FNO, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। आप दोस्तों कॉम्बो ऑफर बनाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारी टीम को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो अवश्य इसको तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम गोल्डियम इंटरनेशनल की बात कर ही रहे हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो मैं निकाल देता हूँ। चलिए ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी है। अभी दोस्तों इसके बाद मैं केवल एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा आपके लिए, और आप समझ जाएंगे दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो एक हिस्टोरिकल ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, और आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने 207 रुपीज़ पास्ट में दोस्तों 5 से 7 बार यहाँ पर आकर टकराया था, लेकिन वो नीचे चला गया था। साल था दोस्तों 2021, और आप देखेंगे दोस्तों तो 2021 में पूरा क्वार्टर इसने पूरी मेहनत की, ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था। उसके बाद में दोस्तों 2014 के शुरुआत में यहाँ पर भी दोस्तों उतनी ही मशक्क़त इसको हुई थी, लेकिन दोस्तों स्टॉक जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया था। और इस बार दोस्तों पिछले हफ्ते में भी दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मेहनत की, लेकिन इस हफ्ते में इसको पूरा पूरा रिजल्ट मिल गया है, और अच्छे से ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दे दिया है। नीचे में दोस्तों आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज
पर टच पॉइंट सपोर्ट लेने के बाद में इसने रैली दिखाई है। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक हिस्टोरिकल ब्रेकआउट हुआ है, तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं इसको भी अगले कुछ दिनों के लिए। अभी दोस्तों जो पर्टिकुलर स्टॉक है, शेयर का नाम है दोस्तों विजया डायग्नोस्टिक, 837 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। और ये स्टॉक में दोस्तों आपको मैं टारगेट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। तो विजया डायग्नोस्टिक आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बाय करना है कौन से लेवल पर, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लेवल सारे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बाकी दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए आपको आपका जो काम है और थोड़ा बहुत मैं आसान कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं सिर्फ एक ही लाइन फिर से खींचूंगा और आप देखिए दोस्तों अभी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान आपको ये देना है कि अभी जो इसका मौजूदा प्राइस है वो 835 रुपीज़ है, और मैंने बाइंग रिकमेंडेशन किस लेवल पर की है वो भी मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। बाइंग रिकमेंडेशन जो मेरी है वो 871 रुपीज़ के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम से कोई भी ट्रेड में जंप हमें नहीं करना चाहिए, 871 रुपीज़ क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही आपको ख़रीदारी इसमें करनी है, ठीक है। चलिए फिर से चार्ट के ऊपर आते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कप पैटर्न भी दिख सकता है, आप चाहे तो दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न भी ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल गया है, और इसका जो स्टॉप लॉस है मैंने इस वाली लाइन, ये जो कैंडल है, उसके नीचे लगाना उचित समझा है। तो आप समझदार है दोस्तों, नीचे में वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन आज के जो सेकंड हाफ में गिरावट हुई जिसके चलते ये जो कैंडल है उसका अपर शैडो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर अगर क्लोज होता तो बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती, लेकिन यही दोस्तों खास बात होती है टेक्निकल एनालिसिस की, कि हमें कौन से लेवल पर बाइंग करना चाहिए वो हमें पता रहता है, फंडामेंटल्स में उतना हमें पक्के से पता नहीं होता। तो इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो वो है दोस्तों 272 रुपीस का, और हमारा जो बाइंग जोन है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 871 रुपीस के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तभी आपको इसमें ख़रीदारी करनी है, बाकी स्टॉप लॉस मैंने मेंशन किया हुआ है। जो टाइम पीरियड है 1 या 2 महीने के भीतर में टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव हो सकता है हमारा। बाकी दोस्तों डिटेल में डिस्क्लोजर वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पर तो है ही, हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के जो अंतिम नंबर का स्टॉक है, शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स, 500 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। और बाय द वे दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमारे स्टूडेंट ने ही आज मुझे बताया था कि ये जो स्टॉक है इसका चार्ट आप देखिए, तो मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसके चलते आज के इस वीडियो में बलरामपुर चीनी मिल्स को मैंने शामिल किया हुआ है। इसका भी दोस्तों डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट आपको नज़र आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आप देखिए 50 मूविंग एवरेज से ज़्यादा जो स्टॉक है वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, नज़दीक में ही रह रहा है, भले चाहे ऊपर हो भले चाहे नीचे हो, नीचे तो ज़्यादा जाता ही नहीं है, ऊपर थोड़ा बहुत गया भी है। यहां पर भी दोस्तों वही कहानी है कि जो सेकंड हाफ था उसमें गिरावट इतनी हुई कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी अच्छे से गिरावट हुई, अदरवाइज दोस्तों स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट कर जाता इस वाली लाइन के ऊपर 513 के ऊपर, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट सक्सेसफुल हम मान सकते थे। लेकिन फिर भी एक 500 का जो नंबर एक साइकोलॉजिकल बैरियर तो है, उसके ऊपर क्लोज होना, उसके बाद दोस्तों 2022 का लेवल क्रॉस करना एक बहुत ही अच्छी बात है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चार स्टॉक मैंने आपके सामने रखे पसंद आए होंगे आपको, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ आपके कोई भी जानकारी हमें साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही। बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल 2 है हमारी, अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं DSSL को दोस्तों जनवरी की स्टार्टिंग में हमने आपके सामने रखा था 686 रुपीज़ के आसपास, और अभी दोस्तों ये जो स्टॉक है 1500 के भी पार निकल जा चुका है, मतलब कि 2 गुना इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है 8 ही महीनों के भीतर में। तो यही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का कमाल होता है। बाकी दोस्तों आप जो है हमारा ये ट्विटर हैंडल X का हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर भी दोस्तों आपको अलग अलग चार्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला है। मैं दोस्तों जनरली कोशिश करता हूं जो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है आपको ट्विटर या अलग यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर ना मिले। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और अवश्य कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप जो है हमारे पेड मेंबर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों।